उनको पता है कि राजाओं के दरवाजे केवल चुनाव के वक्त खुलते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म और राजा का दरवाजा बंद। किसानों को तो गोली चलवा रहा है, रोड पे कीले गड़वा रहा है और वो किसानों से वोट लेगा क्या मोदी अभी? अच्छा, अब किसानों का नेता हमारा अनिल चोपड़ा, ये राव राजेंद्र को वोट नहीं मिलेंगे। जयपुर के माहौल है, कांग्रेस हावली, कांग्रेस हावली क्यों करा वाले झूठा वादा? कौन नहीं कर बीजेपी ने? बीजेपी झूठा के वादा कर। प्रत्यक्ष से जो किसान कौम से निकला हुआ है अनिल चोपड़ा, ये जयपुर ग्रामीण के दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। 15 लाख का तो खाता पीछा ही कौन मारे, 15 लाख रे आगा गई चौंडी को नहीं जेब में। उनसे जब पूछा जाए कि राजस्थान में क्या क्या विकास हुआ है या भारत सरकार ने क्या क्या योजनाएं चालू की है, वो बात खत्म। हिंदू मुस्लिम मीणा गुजर जाट पलाना डीका हमका ये जाति आधारित। काले कानून फायदे के होते तो फिर वापिस क्यों लिए? अच्छा, काले कानून तीन लिए थे किसानों के, अगर वो फायदे के तो वापिस क्यों लिए? कांग्रेस की लहर है कैसे पूरे राजस्थान में, बीजेपी के जुमलों से परेशान हो गई जनता। बिल्कुल कांग्रेस ने देंगे गुजर पायलट के साथ, बिल्कुल पायलट के साथ। राव राजेंद्र जिसको इन्होंने बीजेपी ने उतारा है, उनके विधानसभा क्षेत्र में तो अभी 11,000 वोट मिले मात्र ही, तो फिर बीजेपी ने कैसे दाम खेला? अभी तो देखो साहब, बीजेपी में तो पैसे का खेल है। राम जी आ थोड़े हैं, राम जी तो हम अपने को लाए हैं। राम जी को ये लाने वाले कौन होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त राजस्थान के अंदर है और राजस्थान में भी हम जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को टिकट दी है, तो वहीं पर कांग्रेस ने एक युवा और जोशीले नौजवान साथी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर मैं जमुआ रामगढ़ के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि चुनावी चौसर के अंदर क्या माहौल है। जहाँ एक तरफ भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं पर कांग्रेस युवाओं पर दाम खेल रही है। राम राम साहब। राम राम साहब। के नाम है? कल्याण। के लागे है बाबा इब की बार जयपुर ग्रामीण रो के मानस है? यार थे ही मानस, मैं समझू ही बात हम। फिर भी किन वगैरह वोट डा दे रहे हो? कांग्रेस जीतनी चाहिए जी। कांग्रेस जीतनी के कारण हो? राव राजेंद्र बड़ो नाम है, बोलो तो कहा कुछ कहा जयपुर में बीजेपी के कराए हो 5 साल माते कहा करा रही थी, थोड़ा बहुत बीजेपी भी करा रही थी, कांग्रेस भी करा रही थी, शायद कराऊ दोनों सही। और कहा मोदी जी तो इब बार कह रहे हैं 400 पार को नारो, अब यह तो कहा पता हुआ। बाबा राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। के नाम है? रामेश्वर है साहब। रामेश्वर। हाँ। के लागे है बीजेपी 400 पार को नारो दे रही है? अब यह तो जयपुर ग्रामीण में 10 साल बीजेपी रो राज है। बीजेपी रो राज है, कहीं काम ही कौन है, कोई विकास ही कौन, पूरी जमा रामगढ़ बांध सूखा पड़ा है, उसमें झूठे आश्वासन देते हैं, हम पानी ला देंगे, हम नहर ला देंगे, एक भी काम पूरा नहीं है। इबका के लागे है जयपुर ग्रामीण, ग्रामीण तो कांग्रेस के खाते में जाएगी, कांग्रेस के। हाँ। अच्छा, कांग्रेस ने जिस तरीके से एक युवा चेहरे को टिकट दिया। हाँ। है कुछ बदलाव होगा? हाँ, तो बदलाव तो होगा। अनिल चोपड़ा के करा देगा? है अनिल चोपड़ा, अभी तो आगे की बात है, क्या कराएगा क्या नहीं कराएगा, पर जनता तो आज विश्वास कर रही है उसके ऊपर। अच्छा। हाँ। एक चीज और जानना चाहता हूँ। हाँ। कि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। राम मंदिर तो पहले से बना हुआ था, कोई आज नया बना है? राम जी को याद थोड़ा है, नजदीक आओ। क्या करे हो? राम जी आ थोड़े हैं, राम जी तो हम अपने को लाए हैं, राम जी को ये लाने वाले कौन होते हैं? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अजी राम जी तो अपने बुढ़कों को भी लाए हैं, अपने को भी लाए हैं। राम राम साहब। के नाम है? अजय पाल सिंह। अच्छा, के लागे है अजय पाल जी की बार जयपुर रो के माहौल है? जयपुर ग्रामीण में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और अब की बार ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार 10 साल से केंद्र में बैठी है, जनता का जो विश्वास था, जो जनादेश मिला है, उसको बुरी तरह से जो है परिवर्तन करेगी। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी के सांसद रहे, क्या कुछ काम करवाया है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री, मुझे लगता नहीं है, मेरी 45 वर्ष की आयु हो गई कि उन्होंने आम गरीब जनता और गाँव के लिए कभी काम करवाया होगा। ये जितना भी रोड मैप आपको नजर आ रहा है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की देन। अच्छा, यहाँ राव राजेंद्र को टिकट दिया गया है, जो बड़ा नाम है, राजा महाराजाओं का नाम है, तो कुछ बदलाव नहीं होगा? देखो, ये अपने अपने संगठनों का फैसला है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भाई अनिल चोपड़ा जो युवा है उनको एक अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने राव राजेंद्र सिंह के अपना दाव खेला है,
कोई आए, यहाँ जयपुर ग्रामीण से भाई अनिल चोपड़ा की जीत निश्चित है, निश्चित है। राम राम साहब। राम राम। ये नाम है जी? जय प्रकाश सिंह गुर्जर। के लाग है इसकी बार बीजेपी जिस तरीके से 400 पार को नारो दे रही है और काम कह रही है इसकी बार मोदी जी फिर आएंगे? वो 400 पार बोले चाहे 500 पार बोले, अब की बार मोदी जी नहीं आएंगे। अच्छा, किस कारण नहीं आएंगे? 10 साल में उन्होंने खूब देख लिया है। अच्छा, जनता का उन्होंने शोषण किया है। अच्छा, क्या कुछ करवाया है? किया क्या है बढ़िया काम ये बता दो आप। किया ना, नोटबंदी कर दी, GST लगा दी। ये तो बंदी किया है। अच्छा, नोटबंदी करने से फायदे की चीजें नहीं है, उन्होंने कहा काला धन लाएंगे। ये नोटबंदी से पब्लिक को फायदा हुआ कि मोदी को फायदा हुआ? वो तो आप बताओ, उन्होंने तो कहा काला धन लाएंगे, लाए नहीं क्या? नोटबंदी से अडानी अंबानी काले कानून लेकर आए थे किसानों के लिए, बिल्कुल वो फायदे की चीजें नहीं थी। काले कानून फायदे के होते तो फिर वापिस क्यों लिए? अच्छा, काले कानून तीन लिए थे किसानों के, अगर वो फायदे के तो वापिस क्यों लिए? किसानों को तो गोली चलवा रहा है, रोड पे कीले गड़वा रहा है, और वो किसानों से वोट लेगा क्या मोदी? अच्छा, अब किसानों का नेता हमारा अनिल चोपड़ा, ये राव राजेंद्र को वोट नहीं मिलेंगे। युवा चेहरे पर कांग्रेस ने दांव खेला है, ऐसे कई जगह है जहाँ युवाओं पर दांव खेला है कांग्रेस, विधानसभा में कई विधायक भेज दिए उन्होंने। नहीं, युवा चेहरा हमारे यहाँ 10 साल से लोगों की सेवा कर रहा है, न कुछ होते हुए भी पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी है। अच्छा, और राव राजेंद्र जिसको इन्होंने बीजेपी ने उतारा है, उनके विधानसभा क्षेत्र में अभी 11,000 वोट मिले मात्र ही, तो फिर बीजेपी ने कैसे दांव खेला? अभी तो देखो साहब, बीजेपी में तो पैसे का खेल है। अच्छा, जो पैसे वाला होगा उसी का उस बोलबाला होगा। अच्छा, और ये पैसे का मामला नहीं है, ये तो सीधा आदमी है, किसानों से गरीब परिवार से जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए सब लोग इसके लगेंगे। अरे युवा है, युवाओं में जोश है। अच्छा, अब की बार अनिल चोपड़ा ही फाइनल है यहाँ से। राम राम सर। राम राम। के नाम है भाई? रामलाल गुजर। के लाग है इनके गुजरा को बाहुल्य क्षेत्र है यो जयपुर ग्रामीण में, किन्ने जा रहे गुजर? बिल्कुल कांग्रेस देंगे गुजर, पायलट के साथ। बिल्कुल पायलट के साथ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुंशीलाल मीणा। अच्छा मीणा जी, के लाग है इनकी बात जयपुर और के माहौल? ओनली कांग्रेस। ओनली कांग्रेस। ओनली कांग्रेस। के कारण? कारण तो इतना कि मोदी की झूठी 10 साल में झूठी झूठ आ रही, 15 लाख का चाचा क्रम तो खाता पीसा ही कौन मारे? 15 पीसा 15 लाख रुपए आगे गई चौंडी को नहीं जेब में। अच्छा, वो का चक्रम सफेद ने और लेगा माटा का आओगा पीसा आओगा फोन में देखता देखता बावड़ा का भाई कदमे से जाओ 15 लाख को। अच्छा, अब तक ही होना ही मैसे होगी 5 साल पूरी। अच्छा, आपका छुट्टी थी बीजेपी की? बीजेपी आराम करो सो। अच्छा, राम राम सा। राम राम। के नाम है? गोविंद राम। के लागे है गोविंद जी के जयपुर के माहौल है? कांग्रेस आवली। कांग्रेस आवली क्यों करा वाले? झूठा वादा। कौन दी करया? बीजेपी ने। बीजेपी झूठा के वादा करया? घरे चल कई बार 1 लाख लोग नौजवान नो, नो, नो नौकरी लगा वो 2 करोड़ लोगों ने 2 करोड़ लोगों ने लगा दिया दो ने छोड़ो एक जी अजी दो ने छोड़ो 10 ने लगा दीजिए मान लिया भाई 10 आदमी लाख फ्रूट पैकेट ही बंदों को एक बार कांग्रेस शासन में फ्रूट पैकेट मिले तो 4 महीना होगा फ्रूट पैकेट वो गरीब आदमियों का काम था वो जो चिरंजीवी योजना है गहलोत जो लेकर आयो होगा फायदा दी चीज वो फायदा थी आज 25 लाख 5 लाख ही कर दिया आधा कर दिया बिल्कुल 10% लिया लेकिन बजन हम तो ऐसे बात बाको वो फ्रूट पैकेट कहाँ गया हमारा नहीं करता मंदिर कांग्रेस का फ्रूट पैकेट कहाँ गया वो चाहिए हमारे को तो। अच्छा, फ्रूट पैकेट का क्या हुआ उसको कौन खा गया कांग्रेस वाले खा गए क्या ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल हमारे तो फ्रूट पैकेट चालू होना चाहिए नहीं इसके भी छुट्टी हो जाएगी बीच में। राम राम सा। राम राम सा। के लागे है भाई जीब की बार जयपुर के माहौल ग्रामीण रोड एक तरफ तो राजा महाराजा कांग्रेस की लहर है कैसे पूरे राजस्थान में बीजेपी के जुमलों से परेशान हो गई जनता। 30 लाख जुमले हैं उनके 30 लाख नौकरियां तो अभी केंद्र सरकार की बाकी है जो 2 करोड़ का वादा किया तो दूर की बात है जो खाली पद वही नहीं भरे अभी तक तो। अच्छा, 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में रिजर्व रखी हुई उन्हीं को नहीं भरा गया। लेकिन आप देख रहे होंगे जयपुर हो या फिर राजस्थान में कहीं के पास में धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जाति धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाना और वोट बटोरना विकास के नाम पर इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है। ये जब भी आएंगे इनके नेता चाहे वो मोदी हो चाहे वो यहाँ के CM हो कोई भी हो केवल वो धर्म और जाति की राजनीति करेंगे विकास की राजनीति वो करते नहीं है। उनसे जब पूछा जाए कि राजस्थान में क्या क्या विकास हुआ है या भारत सरकार ने क्या क्या योजनाएं चालू की है वो
बात खत्म। हिंदू मुस्लिम मीणा गुजर जाट पलाना डीका हमका ये जाति आधारित ये और यहाँ की जनता स्पष्ट समझ चुकी है कि यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है कि किसान के बेटे के साथ रहना है और उसको अधिक से अधिक मत देकर उसे विजयी बनाना है। उनको पता है कि राजाओं के दरवाजे केवल चुनाव के वक्त खुलते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म और राजा का दरवाजा बंद, फिर वहाँ एंट्री के लिए वहाँ वो करवाना पड़ता है पास कि आ जाए क्या राजा साहब। तो देखा कर सकता है वो बदलाव, वो बदलाव कांग्रेस कर सकती है। और ये प्रत्यक्ष जो किसान कौम से निकला हुआ है अनिल चोपड़ा, ये जयपुर ग्रामीण की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं जमुआ रामगढ़ के अंदर मौजूद हूँ, ये जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण की जनता जनार्दन किसके पक्ष में मतदान करेगी और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी चुनावी चौसर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम साहब।